नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन यानी इस घंटी पर क्लिक कीजिए। सचिन तेंदुलकर को फिर किया गया सम्मानित। आईसीसी ने मास्टर ब्लास्टर को दिया सम्मान। हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए तेंदुलकर यह सम्मान पाने वाले छठे भारतीय खिलाड़ी बने। आईसीसी ने सचिन को दिया एक और बड़ा सम्मान। आईसीसी ने भारत के दिग्गज स्टार सचिन तेंदुलकर को एक और बड़ा सम्मान दिया है। आईसीसी ने मास्टर ब्लास्टर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। लंदन में हुए एक समारोह में सचिन के अलावा दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डोनाल्ड और ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला तेज गेंदबाज कैथरीन समेत 3 लोगों को यह सम्मान दिया गया। मास्टर ब्लास्टर यह सम्मान पाने वाले छठे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले और राहुल द्रविड़ इस सम्मान को पा चुके हैं। वीरू बोले धोनी से बात करें चयनकर्ता। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह संन्यास कब लें। उन्होंने साथ ही चयनकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वह पूर्व कप्तान को अपनी रणनीति के बारे में बता दें। अंग्रेजी समाचार चैनल टाइम्स नाउ पर पैनल चर्चा में सहवाग ने कहा कि यह धोनी पर छोड़ देना चाहिए कि वह संन्यास कब लेंगे। चयनकर्ताओं का काम यह है कि वह धोनी से बात करें और उन्हें बताएं कि वह अब धोनी को आगे मौका नहीं दे सकते। अध्यक्ष पद के लिए किस्मत आजमाएंगे अजहर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने गुरुवार को कहा है कि जब भी चुनाव हुए वह हैदराबाद क्रिकेट संघ में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं HCA अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूंगा। HCA की वार्षिक आम बैठक 21 जुलाई को होगी जिसमें इन चुनाव के बारे में चर्चा की जाने की संभावना है। अजहरुद्दीन ने साल 2017 में HCA अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा था लेकिन इसे इस आधार पर स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि उन्होंने 2000 में मैच फिक्सिंग कथित भागीदारी के लिए उन पर लगाए गए प्रतिबंध को BCCI द्वारा हटाए जाने के सबूत पेश नहीं किए थे। डिविलियर्स ने की चौकों और छक्कों की बारिश। लॉर्ड्स के मैदान पर डिविलियर्स ने अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग से शमा बांध दिया। मौका था इंग्लैंड में T20 ब्लास्ट मुकाबले का। साउथ अफ्रीका का यह धाकड़ बल्लेबाज मैदान पर उतरा तो चौकों छक्कों की छड़ी लग गई। डिविलियर्स ने मिडिलसेक्स के लिए खेलते हुए 43 गेंद में 88 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस दौरान के बल्ले से 6 छक्के और 5 चौके निकले। उनका स्ट्राइक रेट 200 के पार ही था। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके डिविलियर्स करीब 2.5 महीने बाद बैटिंग कर रहे थे। इससे पहले वो इस साल IPL में दिखे थे। जिम्बाब्वे क्रिकेट को ICC ने किया सस्पेंड। जिम्बाब्वे क्रिकेट को ICC ने तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। लंदन में ICC की सालाना कॉन्फ्रेंस में फैसला लिया गया। ICC ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया और कहा कि क्रिकेट बोर्ड लोकतांत्रिक तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने का माहौल तैयार करने और क्रिकेट के प्रशासन में सरकार के दखल को दूर करने में नाकाम रहा है। ICC ने फैसला जिम्बाब्वे सरकार द्वारा वहां के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित किए जाने के बाद लिया। सस्पेंड के बाद अब जिम्बाब्वे की टीम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलें। आप अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं।